बिरयानी पे हम बोटियां उठाने में कोई खास इंटरेस्टेड नहीं थे। अपनी प्लेटर मेरी हुई कंप्लीट। हम चलते हैं डिजर्ट की तरफ, जेली की टॉपिंग कर लेंगे, ये एक नया आइटम बन जाएगा। एक दोस्त आ गए भाई। तो जी फाइनली हम पहुंच गए हैं जी क्लॉक टावर। ये है वो मुकाम, ये है वो अजीम मुकाम जहाँ पर पहुँच कर हमने खाने पर दावा बोलना है और खाने पर ऐसे टूट पड़ना है जैसे उस्मान गाजी मंगोलों पर टूट पड़ता था और अर्तुरुल गाजी सलीबियों पर टूट पड़ता था। अच्छा आज खाने की खैर नहीं है और आपको पता है मुफ्त पे हम किस तरीके से टूट पड़ते हैं। हमारे मुतालिक लोगों ने एक कहावत रखी हुई है कि भाई वी आर बीस्ट एट फीस्ट, तो लेट्स गो इनसाइड एंड सी। वैसे अगर यहाँ पे हाईटी के लिए आप आते हैं तो तकरीबन चार्जेस हाईटी के मेरे ख्याल से 1250 रुपये है और ब्रंच के शायद 1450-1400 रुपये, और अगर आप लंच के लिए आते हैं तो शायद 1650 या 1600 रुपये। ये चार्जेस हैं, आई एम नॉट श्योर क्योंकि मैंने देखा नहीं। मुफ्ता मारने आ रहा हूँ, मतलब जाहिर है स्कूल वालों की तरफ से प्रोग्राम है, तो जब स्कूल वालों की तरफ से प्रोग्राम होता है तो मुफ्ता होता है, तो फिर उसमें आप मतलब प्राइस वाइज नहीं देखते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वेलकम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। और उसके बाद यही है ना एंट्रेंस? ये जी एंट्रेंस है, एंट्रेंस में जाकर रखते हैं। एंट्रेंस में हम दाखिल हुए हैं जी, एंट्रेंस दाखिल होते साथ ही तो इस तरह का एम्बियंस होता है एंट्रेंस में। एंटर होते ही कुछ हमें यहाँ पे बैठने के लिए जगह बनाई है, अगर कोई आके रेस्ट करता है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं। हमारे स्कूल वालों की तरफ से ऊपर है अरेंजमेंट, यहाँ तशरीफ लाएगा प्लीज़। ठीक है, ठीक है। जैसे ही हम अंदर एंटर हुए हैं तो हमको एंटर होते ही नज़र आ गया जी बी के ना, उसका स्टाफ सारा अंदर आया हुआ है और फोड़म फाड़ी का सिलसिला स्टार्ट है। और पहले तो हम आपको जाके ये दिखाएंगे कि यहाँ पे खाने में है क्या क्या, सही है? बाद में हम डिस्कस करेंगे कि हमने क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अंदर का एम्बियंस आप देख सकते हैं कि ये अंदर का एम्बियंस है, बैठने का सेटअप है इस तरह से और बूफे सिस्टम है। ये है सर हमारे साथ फोरम पार्टी के फुल मूड में, और ये सारा यहाँ पे लाकर आप अपना स्टफ बैठ के खाते हैं। और ये जो है अंदर सारा खाने पीने का निज़ाम है, क्या क्या चीज़ें खाने पीने के लिए। थोड़ी सी रश कम हो तो मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ। अच्छा भाई, हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है बारबेक्यू आइटम से, तो सबसे पहले बारबेक्यू आइटम जो सबसे बिज़ी जगह यहाँ की है, ये बंदा सबसे बिज़ी नज़र आता है। ये बेचारा आग के आगे खड़े होकर ये सीख कबाब और टिक्का बोटी मलाई बोटी, और ये जी इनका सर्व करने का तरीका है। आप बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह सुबह सुबह स्कूल में लाइन लगाएंगे और ये एक एक करके सबको सीख बोटी अपनी मर्ज़ी से थोड़ी थोड़ी डाल के देता जाएगा। उसके बाद बारी आती है जी क्रिस्पी पराठों की, लाल लाल सुर्ख सुर्ख क्रिस्पी पराठे जिनको चार हिस्सों में बांट दिया। जिसके बाद जनाब बारी आती है रेशमी कबाब की, जो रेशम की तरह प्लेट में घुलता चला जा रहा है। लोगों ने फिर से लाइन लगा ली है और ये है हमारे साग साहब माशाल्लाह। वन मोर टाइम बोल रहे हैं भाई, एक मरतबा और दो बोटी और ये चले गए हैं। इसके बाद बारी आती है जी हलवे की, बूरियाँ ख़त्म हो गई हैं, सिर्फ हलवा बेचारा अकेला इसमें छुपा दिया गया, पिंजरे में बंद कर दिया गया। ये कुछ सॉसेस हैं, डिफरेंट सॉसेस हैं जो आप कबाब के साथ या तो फिर बारबेक्यू आइटम के साथ खा सकते हैं। उसके बाद बारी आती है कुछ पापड़ की, क्रिस्पी से पापड़। अच्छा जी, उसके बाद आती है फ़िश, ये है फ़िश फ्राई। हाँ जी, उसके बाद बारी आती है एग फ्राइड राइस की, और ये वाली खाली, ये वाला खाना खाली, ये है कुछ शायद पता नहीं चने हैं, पता नहीं क्या है, चिकन चाउमिन है, चिकन चाउमिन की बारी आती है, बराबर वाला खाली अकेला। और ये है जी एग फ्राइड राइस, डिलिशियस लग रहा है भाई, बहुत ज़्यादा, इस पर भी फोड़म बाड़ी करेंगे। और ये है जी एग सॉस, सॉसेज, सॉसेज एंड एग्स। और ये है क्या, ये सॉसेजेज हैं, सॉसेजेज हैं। और ये है जनाब चाउमिन है शायद, और ये ब्रेड है, चिकन ब्रेड है, क्या है, फ्रेंच टोस्ट है शायद, और ये क्या है, पास्ता है, क्या है। आगे चलते हैं, देखते हैं, ये है जी अंडा चना, देसी नाश्ता हमारा जनाब, देखते हैं अंदर जान के क्या है। हाँ भाई अंडे चने, कैसा है तू, क्या हाल है, ठीक हो ना? उसके बाद बारी आती है जी आलू तरकारी, आलू तरकारी देखें डिलीशियस लग रही है, देसी खाना। अच्छा जी, उसके बाद आता है प्लेन नान, गरम गरम प्लेन नान आपकी फेश खिदमत। और उसके बाद नेक्स्ट डिश ख़त्म हो ही नहीं है भाई, वेजिटेबल हैं ये, लेकिन ये सॉल्टेड वेजिटेबल है शायद कोई, ये क्या है, पालक पनीर, ओ वाओ पालक पनीर, खुदा फेस, बाद में खाते हैं। इसके बाद है चिकन कढ़ाई, देसी देसी ये सबसे ज़्यादा खाई जाती है। उसके बाद है वेजिटेबल कॉर्न सूप, ये कौन पिएगा भाई, कॉर्न सूप बंद कर दो। उसके बाद है मिक्स पिकल, पिकल की तरफ आ गए हैं, डिफरेंट पिकल्स हैं, चिली पिकल,
तो मिक्स पिकल था, ये गार्लिक पिकल है, इसको किसी ने प्रिजर्व कर दिया है तो प्रिजर्व है, बारबेक्यू सॉस है, और ये क्या है, यालोपिनो, और कुछ सैलड्स हैं जो क्या आप बिरयानी उनके साथ खा सकते हैं, ठीक है जी। और ये बहुत अच्छे से इन्होंने डेकोरेट किया है, क्लॉक टावर लिखा हुआ है, बड़ी इनकी मेहनत है, किसी ने क्राफ्ट किया है, बड़ा खूबसूरती से वेलकम कर रहे हैं हमें, क्लॉक टावर ज़बरदस्त भाई। उसके बाद यहाँ पर आप देखें, आप जो है वो डेजर्ट का एरिया स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, आगे जो है डिफरेंट चीज़ें हैं डेजर्ट की, ये रेड बीन्स हैं और ये ग्रीन ऑलिव्स हैं शायद, ठीक है, और ये क्या है जी, वेजिटेबल कुछ करके है, आगे देखते हैं। यहाँ स्टार्ट होता है अब तो डेजर्ट में, आगे जी ब्राउनीज़ हैं, केक कप केक हैं, ये भी कप केक है, और डिफरेंट टाइप के केक्स, बिस्किट्स, पेस्ट्रीज, और यानी ये सारा पूरा डेजर्ट का है। ये ब्रेड हैं, मतलब ये एरिया पूरा आपको डेजर्ट की एक से बढ़कर एक चीज़ यहाँ पे नज़र आती है। ये है जी देसी खीर हमारी, और इसके ऊपर गुलाब जामुन, और इसके बाद यहाँ पे ब्राउनीज, उसके बाद ये ओपन अप सही समय, ये क्या है, ये भी कुछ है यार, क्या है, चॉकलेट मोसे या क्या इस तरह से था कुछ, लबे शीरी, ये सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली मीठी डिश लबे शीरी, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे हम। और उसके बाद है पाइनएप्पल केक है या पाइनएप्पल मिक्स पुडिंग थी, और ये भी पुडिंग है। तो ये सारा एरिया था जी डेजर्ट का, आपने देखा बहुत खूबसूरत और बहुत डिलीशियस चीज़ें लग रही हैं, इस पे हमला बाद में बोलेंगे। और ये आइसक्रीम, ओह आइसक्रीम शायद नहीं है। और ये इनका जी बेवरेज का एरिया है जहाँ पे आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स मिल सकती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक आपको ख़ुद ख़रीदनी पड़ती है, बाकी ये लेमोनेड ये इनकी तरफ से फ्री होता है कॉम्प्लीमेंट्री, अगर आप ब्रंच पे, हाई टी पे या लंच पे आएँ, ये चीज़ें आपको सिर्फ फ्री मिलेंगी, बाकी कोल्ड ड्रिंक, रेड बुल, ये सारी चीज़ें आपने ख़ुद से ख़रीदनी पड़ती हैं अलग से पैसे देके। और 150 का आई थिंक कोल्ड ड्रिंक का एक कैन है, वो आपसे आपने अलग से लेना पड़ता है, ठीक है जी। हाँ भाई, पूरा सेटअप हमने देख लिया, सेटअप देखने के बाद हमने डिसाइड किया कि अब हम क्या खाएंगे। सेटअप जी जी, अभी मैं पहले थोड़ा एक ब्लॉगिंग कर लूँ उसके बाद, ठीक है जी। सारा कुछ हमने देख लिया, क्या क्या खाने में आइटम मिक्स है, एक अच्छा है ये, मतलब ब्रंच का तो सिर्फ नाम है, ब्रंच नहीं है बेसिकली, ये प्योर लंच है, तकरीबन लंच में जो जो चीज़ें होनी चाहिए वो सारी की सारी हैं, और हमने ये सारा कुछ देख लिया। इसके बाद अब हम फोरम पार्टी को भी स्टार्ट करते हैं, अभी पहले अपना दोस्तों का ग्रुप ढूंढते हैं, अभी तक कोई दोस्तों का ग्रुप नज़र नहीं आ रहा है। ये जितने लोग नज़र आ रहे हैं आगे पीछे, ज़्यादातर औरतों की तादाद, कसीब तादाद में औरतें हैं, मर्द हज़रात हमें बहुत कम नज़र आ रहे हैं, बिलखसूस मेरे जितने दोस्त आने वाले साथ थे वो अभी तक पता नहीं क्यों नहीं आए, नज़र नहीं आ रहा कोई भी, तो देखते हैं कि कौन कौन दोस्तों में आया। और उसके बाद हम बिरयानी से स्टार्ट करेंगे और टिक्के विक्के से स्टार्ट करेंगे। हमने अपने खाने का बाकायदा आगाज़ किया लेटली, और ये पहला राउंड है, सबसे पहला दावा हमने बिरयानी पे बोला। बिरयानी पे हम बोटियाँ उठाने में कोई ख़ास इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि हमने बोटियों के बजाय इस पे बारबेक्यू का आइटम लगवाना है, बारबेक्यू आइटम में कोई कबाब, कोई टिक्का इसके ऊपर रख के खाना है। तो बस थोड़ी सी बिरयानी, आ जा भाई, इतनी सी बिरयानी ली और अब हम चल पड़े टिक्का। एक कबाब मिल गया हमें, ये वो भाई है जो कबाब दे रहा है यहाँ पे सबको लाइन पे लगा के, जी लाइन हो जाओ लाइन, जैसे सुबह सुबह मॉर्निंग के अंदर असेंबली में बच्चों को लाइन अप करते ना, उस तरह लाइन अप करके दे रहा है। चल भाई मुझे भी दे, एक इन्होंने ये टिक्के की बोटी दे दी है, टिक्के का पीस। तो इसके बाद हम थोड़ा सा रायता वायता लेके, और ये प्लेट देखें जी तैयार कर दी है मैंने अपनी, तो चलिए शुरू करते हैं। पूरी हलकत है, ये हमारे वकास साहब है माशाल्लाह, मसरूफ़ खामोशी से खाने में, और ये हमारे बाकी टीम के लोग हैं लेकिन दूर दूर हैं, सर हादी और सर इमरान, ये सब खाने पीने में लगे हुए हैं। ये हमारी देखो, देखो वहाँ गया। सर नवेद सर, सर 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 आवेद सर, कैसे हैं ठीक है सर, आप कैसे हैं ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। हाँ हमारे एक दोस्त आ गए, शुक्र है, हम काफ़ी परेशान थे कि हमारे पास कोई दोस्त अभी तक आए नहीं, तो हमारे एक दोस्त आ गए भाई सर, कोई एक भी बंदा नज़र नहीं आ रहा था सर। मैं आ गया हूँ, अब आप बेफिक्र रहे हैं, इंशाल्लाह ये सब पानी हो जाएगा, अब पूरा साथ देंगे हम आपको, पूरा साथ देंगे भाई। हमारा ये जो छोटा सा एक सेशन था ना बिरयानी का, और इसमें एक छोटा सा टिक्के का पीस और एक कबाब और फिश का पीस, तो हमारा ये छोटा सेशन एक ख़त्म हुआ, और इसके मतलब ये एक समझ लें कि स्टार्टर था। अब हमने क्या सही मानों में फोड़म फाड़ी करनी वो जाके देखना है, आइटम इतना ज़्यादा यार बंदा कंफ्यूज है, समझ नहीं आ रहा क्या खाऊं। अगर दो या तीन आइटम हो तो फ़ौरन बंदा ना समझ में आ जाता है कि यार ये मेरा फेवरेट है ये खाना, अच्छा इतने सारे आइटम्स हो जाए ना तो समझ नहीं आ रहा होता है कि खाए क्या छोड़े। बहरहाल एक तो राउंड हो गया, क्योंकि फिनिश आपने देख लिया,
अल्हम्दुलिल्लाह खाली प्लेट हलवाई दे रही हैं। अब दूसरा राउंड क्या होना हो जाके देखते हैं। नबीद साहब जो है हमारे वो शिकार पे गए, ये आपको नज़र आ रहा होगा सारे लोग शिकार पे, इतने सारे लोग माशाल्लाह। ये इनका एरिया जहाँ से आपने अगर कोई जूसेस वगैरह पीने हैं या ड्रिंक पीनी है तो वहाँ से लें। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। और ये खाली प्लेट रखते हैं और खाली प्लेट रख के जाके देखते हैं हमला करते हैं किस पे। खाली प्लेटें रखी जा रही होती हैं यहाँ पे, ये भाई खाली प्लेटों को समेट रहे होते हैं। भाई राउंड टू स्टार्ट होता है, राउंड टू के लिए दोबारा से प्लेट उठा रहे हैं और प्लेट उठा के निकलते हैं अपनी मंजिल के लिए। देखते हैं किस बार क्या खाना होगा। ये जी बारबेक्यू आइटम और देता हूं सर। जी जी मेरे हिस्से में इतनी सी बोटी नाजायज। तो भाई बारबेक्यू आइटम सर्व किया जा रहा है। हमारी प्लेट में सिर्फ थोड़ा सा कबाब आया था भाई जान, थोड़ा हमें भी दे दो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नहीं और चाहिए होगा भाई, मैंने सिर्फ यही खाना है तो ये बहुत कम है, प्लीज़ थोड़ा सा और दे दें। यस जी स्पाइसी बोटी, थैंक यू। जी जी स्पाइसी रोटी एक और डाल दें, थैंक यू। ये भाई हमारी जो है बारबेक्यू प्लेटर हमारा तैयार हुआ है, ये हमारा राउंड टू है। अब इसके लिए हम कुछ सॉसेस लेते हैं, कोई चटनी वटनी, कोई इसके साथ स्पाइसी कोई चटपटा सा आइटम हो जाए। चटनियाँ कहाँ हैं, चटनियों की जानिब चलते हैं। चटनी 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 चटनी, ये रही चटनी। बारबेक्यू एरिया की तरफ ही होती है जहाँ पर आपको बारबेक्यू आइटम मिलता है वहीं पर चटनियाँ मिलती हैं। चार किस्म की सॉसेज हैं। ये जो सबसे पहले वाली खट्टी चटनी है ना, ये कबाब के साथ बहुत लाजवाब लगती है ये वाली। तो ये हम थोड़ी सी चटनी लेते हैं और अपने टेबल की तरफ बढ़ते हैं। चटनी भी आ गई, अब हम ये देखते हैं चटनी के बाद कि इसको और सर्व किसके साथ करना है। तो मैंने इस बार एग फ्राइड राइस को चूज़ किया है, इसके साथ ये आइटम थोड़ा अच्छा लगेगा। तो एग फ्राइड राइस और ये अपनी प्लेटर मेरी हुई कम्प्लीट। अब चलते हैं अपने, और ये वो बंदा भाई जो कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाता हम लोग को। चलें जी टेबल की तरफ जाते हैं और ये राउंड टू को कंप्लीट करके फिर देखते हैं कि राउंड थ्री में क्या खाते हैं। प्लेट पहुंच रही है अपने टेबल की जानिब, खुद ब खुद जादू सा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, टेबल कहाँ है। अगर सीट रिजर्व ना हो गई हो तो ठीक है, नवेद साहब को बोल के गया था कि सीट रिजर्व ना हो। ओ वेरी गुड सर नवेद, कैसे हैं आप, ठीक हैं भाई। बहुत शदीद गर्मी और ये बंदा देखें फिर भी फ़िश खा रहा है, इतनी गर्मी में फ़िश खा रहा है भाई। हमें देखें फ्राइड एग फ्राइड राइस और इस तरह का बारबेक्यू आइटम, फिश खा भाई, अल्लाह पूछेगा तेरे से बाद में। अभी राउंड टू भी ख़त्म हुआ, राउंड टू के अंदर भी तकरीबन अच्छा खासा आइटम था, वो भी हमने खत्म किया। अब राउंड थ्री यानी मीठा, अब हम चलते हैं डिज़र्ट की तरफ और डिज़र्ट में देखते हैं क्या क्या आइटम है, फिर वो आइटम आपको वैसे दिखा दो दिए आपको आइटम, बट खाना स्टार्ट करते हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं, यहाँ से उठाते हैं प्लेट राउंड थ्री के लिए जो कि मीठे का है, डिज़र्ट का है। और इस तरफ सारे डिज़र्ट लगे हुए हैं, हम देखते हैं कि हमें कौन सी चीज़ अच्छी लगती है। वैसे मुझे आमतौर पर डिज़र्ट पे जो ना लब्बे शीरी खीर और इस तरह के आइटम अच्छे लगते हैं, ये नुटेला और ये ब्रेकफास्ट वाली चीज़ें लग रही हैं मुझे, ये नहीं। और ये कप केक, ये भी इतना अच्छा नहीं लगता है। ये इस केक को देख लेते हैं, ये कुछ डिफरेंट सा लग रहा है, शायद अच्छा होगा, एक पीस ले लेते हैं। ये अगर अच्छा लगा तो ये खाते हैं, अगर नहीं लगा तो कोई बात नहीं। बाकी ये बिस्किट्स वगैरह ये तो आइटम सुबह नाश्ते वाले लग रहे होते हैं, इसको भी छोड़ते हैं। हाँ जी ये आ गया जी देसी टोटका, देसी आइटम खीर। तो थोड़ी सी खीर ट्राई करते हैं, ज़्यादा नहीं, एक एक चम्मच डेढ़ डेढ़ चम्मच, क्योंकि आइटम बहुत ज़्यादा है मेरा भाई, अच्छे अच्छे आइटम भी उठाने हैं। तो उसके बाद है जी जेली, चेरी की तरह लग रही है, चेरी ऑन द टॉप, ये भी नहीं खाते, इसको भी ड्रॉप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये कोई केक है, नहीं यार ये भी मज़ा नहीं कर रहा, ये केक का पीस ले लेते हैं, ये बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है, ऊपर इसकी टॉपिंग अच्छी हुई हुई, इसको एक का इसका भी एक पीस ले रहे थे। आजा भाई आगे चलते हैं मेरा दोस्त, हम इंतज़ार कर रहे हैं। ये ब्राउनी और ये चीज़ें, ये पता नहीं क्या चीज़ें, समझ नहीं आ रही, चॉकलेट बॉल्स हैं शायद, ये भी समझ नहीं, ये पेड़ा समझ में आ रहा है थोड़ा। तो ये एक पेड़ा उठाते हैं, आजा प्यारे प्यारे से पेड़े, इधर आ जा, अच्छी बात, थैंक यू। आगे चलते हैं, हमारी बीबी श्री लबे श्री किधर है तू, आ जा मेरे को। ये देख लेते हैं पुडिंग है, ये भी अच्छी होती है, लेकिन हम जो देख रहे हैं वो ये भी कोई अच्छा ही आइटम है, पता नहीं एप्पल या पाइन एप्पल मिक्सड या कोई लबे श्री टाइप चीज़ है, ये खा लेते हैं, थोड़ी सी अच्छी है लबे श्री आई थिंक। एक चम्मच और ले लेते हैं, शायद दोस्त वोस्त भी बीच में मांग ले तो उसको भी दे देंगे। चलो जी
ये हमारी मीठे की डिश हुई पूरी। अब चलते हैं अपने टेबल की जानेब। आ जा मेरे टेबल, ये गया मैं टेबल की जानेब। ओ हाँ, ये अच्छा है, इसकी टॉपिंग कर लेते हैं यार, जेली की टॉपिंग कर लेंगे। ये एक नया आइटम बन जाएगा, ऐसा लगेगा कि लबेशीरी के अंदर जो है जेली। वाओ कैसा दिया आपके भाई ने। अच्छा भाई, ये हमने मीठा चूज़ किया है, देखें आप कितना ज़बरदस्त आइटम, एक एक आइटम चुन के उठाएं। अब इसमें से ट्राई करते हैं, सबसे पहले हम लबेशीरी देखते हैं, लबेशीरी कैसी है। दूसरा आइटम हम ट्राई करते हैं खीर, खीर देखते हैं कैसे। एवरेज तैयार है, खीर एवरेज इतने मजे की कम मिल गई है। मीटिंग विद कैप्टन सरवर शहीद शहीद नहीं जिंदा। पार्टी का आगाज़ जो है वो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ों से किया है, सरादी बहुत ही हल्का फुल्का खाने वाले, मतलब हल्का फुल्का खाते खाते बहुत देर तक खाने वाले। राउंड वन है, राउंड टू अभी ये सरादी का राउंड वन है, और ये सर अल्लाह माफ करे सर नवेद के छोटे छोटे राउंड में से पता नहीं छठा सातवां राउंड है। कैमरा बंद कर, कौन सा राउंड है सर? भूल गया यानी इतने राउंड हो गए कि सर कह रहे हैं कि मैं भूल गया। वाह वाह यार भाई, आइटम तो मैंने भरपूर खा लिया, तीन राउंड थे मेरे खाने के, तीन राउंड मैंने भरपूर तरीके से खाए और ठीक ठाक खाए, अच्छे थे। और अगर मैं रिव्यू दूँ तो यहाँ पे खाने में सबसे अच्छा आइटम बारबेक्यू आइटम था, और उसके बाद थोड़ी बहुत जो है बिरयानी इनकी खाने जैसी थी, फिश भी अच्छी थी एवरेज, और मीठे के अंदर अगर कहूँ तो सिर्फ लबेशीरी ही खाने जैसी, और गुलाब जामुन तो चलो बंदा वैसे ही खाता रहता है, अगर थोड़ा खट्टे आइटम था वो लबेशीरी। लबेशीरी और नहीं, मैंने ली नहीं। हाँ मैं भी जाऊँ। ज़बरदस्त, आपने चूँकि रिव्यू में मुझे बताया कि ये अच्छा है, बिल्कुल ऐसा ही है। इसके अलावा बाकी आइटम सारे तकरीबन फारिग हैं। अच्छा, इस पूरे बुफे का सबसे अच्छा सीन तो ये है कि यानी यहाँ का जो मेन्यू है, मेन्यू काफ़ी वाइड है, वो वैरायटी ज़्यादा है, और सबसे बेकार चीज़ भाई जो है ना वो ये कि सॉफ्ट ड्रिंक नहीं है फ्रीज में इंक्लूडेड, यानी बूफे में आपको सॉफ्ट ड्रिंक, अगर ब्रंच है तो सॉफ्ट ड्रिंक इंक्लूडेड नहीं है, वो आपको अलग से परचेज करके पीनी पड़ेगी। अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक मांगेंगे तो आपको लेमनेड दे देंगे, नींबू पानी पियो और इन्जॉय करो, ज़िंदगी को ठंडा करो। बाकी अगर सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए तो उसके लिए पैसे दो जी, पैसे लग देने पैसे। सर नुमान ऑलरेडी लाइन अप, सर हाउ आर यू, अस्सलाम वालेकुम सर नुमान, सबसे मसरूफ आदमी, दी क्लॉक टावर का सबसे मसरूफ आदमी है। आपने लिया अभी तो कुछ? सर सर नुमान आपकी प्लेट तो बेचारी बहुत बदवाए दे रही है खाली खाली से, यार भरे इसको भाई, बोले भाई जल्दी लाउन लगा। यहाँ की जो ना स्पाइसी बोटी अच्छी है और कबाब है, स्पाइसी बोटी इनको बोले, स्पाइसी बोटी और कबाब, बाकी कबाब तो यही वाला है, एक ही कबाब है, स्पाइसी बोटी का बोले वो अलग है, टिक्के से अलग है, वो अच्छी है, वो बोनलेस नहीं होगी, स्पाइसी बोटी बोनलेस नहीं होगी लेकिन बड़े मज़े की होगी। एम्बियंस अच्छा है भाई, मैं 10 out of 10 दूंगा एम्बियंस के लिए, सॉन्ग्स के लिए, और जो डिस्प्ले है इनका यानी जो डेमोन्स्ट्रेशन है सारे फूड की वो बहुत अच्छी है, खूबसूरत है, उस पर 10 out of 10। खाने के टेस्ट की बात है तो जितनी चीज़ें मैंने अभी तक खाई वो तकरीबन बहुत ही अच्छी थी, बाकी काफ़ी चीज़ें मैं ट्राई नहीं कर सका क्योंकि बहुत ज़्यादा आइटम, इतनी सारी चीज़ें खा नहीं सका। हाँ भाई, तकरीबन 3 बजने वाले हैं और ऑलमोस्ट काफ़ी सारे लोग जा चुके हैं, अब हम भी घर को निकलते हैं और इस जगह को खैरबाद करते हैं, मज़े का खाना था, मज़ा आया, बाय बाय क्लॉक टावर। अच्छा भाई, मिस सादिया हमारी जो प्रिंसिपल है उनकी अच्छी बात यह है कि हमेशा एनुअल डिनर या एनुअल लंच हो वो एक हर टीचर को इंडिविजुअली उनका नाम, देखें आसिफ अली मेंशन है, नाम लिख के उनको अप्रिसिएशन लेटर देती हैं, तो थैंक यू वेरी मच मिस सादिया। और ये घर का हमारे पास स्टार्ट हो गया, हम लेके जा रहे हैं वापस। सामने की तरफ से भाई अपना शाकिर साहब, फोड़म फाड़ी की तुम इतना लेट क्यों आया भाई? लेट तो आया है, लेट बता रहा है, खाना वाना सही खाया है, सांस रोक ले। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। लेट क्यों आया हम लोग? क्यों आया? अच्छा ये नहीं, मैं भजन ये बंदा जो नहीं बहुत लेट आया है, हम आते साथ सबसे पहले इसको ढूंढ रहे थे गाय और कोई भी नहीं मिला, फिर सबसे पहले नवेद मिला, नवेद के साथ फोरम फाड़ी की, ये बहुत आकर मिला, ये जो ना फोरम फाड़ी का बेहतरीन पार्टनर है हमारा, लेकिन लेट है।
ये पता नहीं कहाँ का ऊपर का रास्ता है भाई, ऊपर का रास्ता, ऊपर जाके देखते हैं क्या ऊपर से। वैसे एक बात है, रास्ता तो पता नहीं ऊपर में किस चीज़ का है, लेकिन ऊपर से व्यू अच्छा आता होगा। हम ऊपर आगे व्यू देखते हैं, व्यू के साथ है। बाहर सूखे बुट्टे भी चल रहे हैं भाई। ये है जी ऊपर आने के बाद ऊपर का रास्ता, अच्छा हुआ ऊपर आ गया मैं, दिखाऊँ आपको कितना अच्छा व्यू है। ग्लासेस पता नहीं मैंने क्यों लाए यार, पहन लेता हूँ। हाँ जी भाई ग्लासेस पहन लेता हूँ, कैसा लग रही हूँ, अच्छा लग रही हूँ। बोलते तुम्हारा क्या जाता है, बोल दो अच्छा लग रहा है। क्यूट लग रही है यार, बड़े क्यूट लग रही है। ये देखो ये है जी सी व्यू, जिसको कहते हैं समंदर का नजारा। आपको देखें तेज आवाज़ चल रही है, आवाज़ शायद मेरी सही नहीं आ रही होगी, लेकिन देखें कितना खूबसूरत व्यू है समंदर का। इसी चीज़ के पैसे हैं भाई, इसी चीज़ के पैसे। तो भाई इसके साथ आपका भाई जो है अब यहाँ पे ब्लॉग को ख़त्म करता है और घर के लिए रवाना होता है। यहाँ पे हमारा जी क्लॉक टावर का व्यू ब्लॉग ख़त्म हुआ, और क्लॉक टावर के अंदर क्या क्या डिशेस हैं और क्या क्या खाने जैसा आइटम है, कितना अच्छा है कितना बुरा है, सब सारे रिव्यूज़ आपको दे दिए। अब चलता हूँ, अब इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा भाई, खुदा हाफिज़।